अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, मसालेदार सूखी सब्ज़ी। हमने आगे भी काफ़ी भिंडी की रेसिपीज़ अपलोड की हैं, बेसन वाली भिंडी, भिंडी दो प्याज़ा, दही वाली भिंडी। आज हम बनाएंगे सूखी भिंडी आलू की सब्ज़ी, जो खाने में अच्छी लगती हैं। इसके साथ कड़ी बनाएं, दाल बनाएं और साथ में इसके लें तो ये बहुत अच्छी लगती है। आज हमारा मेनू है मीठी गुजराती कड़ी और साथ में सूखी भिंडी आलू की सब्ज़ी। आपका लंच मेनू भी हमारे साथ शेयर करें कि आपके घर में लंच में आज आप क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया 3 टेबल स्पून, पहले अच्छी तरह गर्म किया ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। बाद में फ्लेम को लो करके थोड़ी देर रहने दिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, इस तरह हमने स्लाइस कर लिया, थोड़ा पतला पतला स्लाइस किया है। प्याज को बस आधी से 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फिर हम इसमें आलू डालेंगे, हमने इस तरह से आलू को भी बड़ा बड़ा सा कट किया है। 2 आलू यूज़ किए हैं हमने मीडियम साइज़ के। आलू आप ज़्यादा चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हमने हाई किया है, 3 से 4 मिनट चलाते हुए ये दोनों चीज़ों को पका लेंगे। हमने आलू और भिंडी को 4 से 5 मिनट तक पकाया। हमें इतना पकाना है जब तक ये जो प्याज है इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। इसमें हमारे आलू भी 50% तक गल जाएंगे। तो प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन हो गया है, यही पॉइंट पे हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के बाद कुछ मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर लिया, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। फ्लेम लो है, हम लो फ्लेम पर 2 मिनट इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि मसाले हमारे भुना जाएँ। ये पॉइंट पे फ्लेम को हाई ना करें, मसाले जल सकते हैं। मसाले हमारे भुना गए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने लिया, छोटा छोटा कट किया। साथ में हम इसमें भिंडी भी डालेंगे, 250 ग्राम भिंडी हमने यूज़ की। 1 भिंडी के हमने 2 पीसेस किए, इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया। आप छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने ये पॉइंट पर थोड़ा सा हाई किया है। 2 मिनट हमने भिंडी को भून लिया मसालों के साथ। फ्लेम को लो करेंगे, 5 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि भिंडी भी गल जाए और जो आलू है वो भी पूरी तरह पक जाए। 5 से 6 मिनट हमने पकाया, लेकिन बीच में 1 से 2 बार हमने चेक किया। चेक करना ज़रूरी है क्योंकि हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, ऐसा ना हो ये जल जाए। तो चेक करें 1 बार बीच में और ज़रूरी लगे तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें, 1 से 2 टेबल स्पून के आसपास। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी हमारी भिंडी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और बिल्कुल आसान तरीके से मिनटों में। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। आधे नींबू का रस डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी में। लेकिन इसे इस तरह लास्ट में डालें, जब हमारे आलू भिंडी सब कुछ पक जाए उसके बाद डालें। हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे, बस एक बार मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी सूखी मसालेदार आलू भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। अगर आप गुजराती कड़ी बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, तो आप भी ज़रूर से इस तरह का मेनू ट्राई करें लंच में। हम इसके साथ ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपको बताएं तरीका सही ज्वार की रोटी बनाने का तो हमें ज़रूर से बताएं। फ्लेम को बंद करेंगे, सर्व करते हैं गर्मा गर्म।